तुसी हैरान होंगे सुन के जी कि उन्हां दा बिल किन्ना बनाया 21 लाख रुपए के नेड़े तेड़े उन्हां दा बिल बनिया करोना का फॉर ट्रीटमेंट ऑफ करोना। एंड द सैड पार्ट इज कि उन्हां दी डैथ भी हो गई है। तो मैं अज ऑन रिकॉर्ड लियाना चाहूँगा कि सम डॉक्टर्स इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। कुछ प्राइवेट हस्पताल जिन्होंने इसनों एक मौका देख लिया कि धंधा करन दा समा वेख लिया है। डॉक्टर अवतार दा अमनदीप मेडिसिटी करके कि इन्होंने 48 दिन पेशेंट नूं रखिया और 20,47,744 रुपए का उन्हों का बिल बनाया। 8,11,565 रुपये कला दवाइया ही बिल 8 लाख के नेड़े तेड़े कला कोविड दवाइया खवातियां जिदा इलाज ही कोई नहीं। आ दसणगे उन्होंने लड़के आप की गल थोड़ी जी। मैं तो सुनिया नहीं जी कैंसर का केयर इतों सस्ता हो जाता। अकाली आगू बिक्रम मजीठिया वालों वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान उन्होंने अमृतसर के एक प्राइवेट हस्पताल वालों करोना मरीजों की की जा रही लुट खसुट की निरपक्ष जांच करवाए जाने की मांग की। मजीठिया ने दसिया कि सारे नियमों नूं शिक्के ते टंग के हस्पताल ने मरीज के परिवार के हाथ च 21 लाख के करीब बिल फड़ा दिता। उन्होंने दसिया कि मरीज सविंदर सिंह की हस्पताल विच इलाज दौरान 48 दिनों बाद मौत हो गई सी। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान मृतक के परिवारक मैंबर भी मौजूद सन। एक ना जी बहुत ही सैड एंड अफसोसनाक गल जी मैं थोड़े सारिया के सन्मुख रख रहा वो कारण भी कुछ यहोजे बन रहे जो सरकार जी करोना की लड़ाई है जिमें कल भी TV का बड़ा व्डा प्रोग्राम आया है कि किमें पंजाब इस करोना की लड़ाई से पछड़ रहा और रीप्रोडक्शन रेट का बड़ा जिक्र हो रहा किमें वध रही है। मगर जी अज मैं दुखदाई गल लैके आया साथ सविंदर सिंह सन उन्हां दी मैं चाहूँगा मेरे मीडिया वाले वीर जिहड़े मैनेज कर रहे हो फोटो जरूर विखाउण। वो तुसी वेखोगे कि हेल एंड हार्टी बहुत वधिया तंदुरुस्त 65 साल दे साडे सत्कारयोग बुजुर्ग सन हत्थी मेहनत करन वाले उन्हां दे दोवें बच्चे भतीजा साहब ते उन्हां दे लड़के आ सा सविंदर सिंह ने जी आ मेरे मगर परमिंदर जी ते राजविंदर जी उन्हां दे भतीजे ते उन्हां दे लड़के मेरे नाल बैठे ने। और इस तो पहला तुसी हैरान होंगे कि 25 जून नूं इत्थे हस्पताल च दाखिल होंदे ने। हस्पताल च अमनदीप मेडिसिटी करके इत्थे एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जिहदा नाम पहला भी आया सी वो जिहड़ा EMC हॉस्पिटल तुली लैब जदों ये सारा कहर पिछली बार वापरिया सी जिहदी अज तक तुसी वेख्या 0 इनक्वायरी कवर अप ऑपरेशन उहदे च सारा कुछ ही हो गया वो मैं बाद च आऊँगा। मगर ये जिन्हां दी मैं साथ सविंदर सिंह जी की गल कर रहा सां उन्हां नूं तुसी हैरान होंगे सुन के जी कि उन्हां दा बिल किन्ना बनाया 21 लाख रुपए के नेड़े तेड़े उन्हां दा बिल बनिया करोना का फॉर ट्रीटमेंट ऑफ करोना। एंड द सैड पार्ट इज कि उन्हां दी डैथ भी हो गई है। इस तरीके दे प्राइवेट हॉस्पिटल वालों जिस तरीके नाल लोकां नूं एक्सप्लॉयट किया जा रहा जिस तरीके लोगों दुर्व्यवहार किया जा रहा है। देखो मैं अज ऑन रिकॉर्ड लियाना चाहूँगा कि सम डॉक्टर्स इस मौके का फायदा उठा रहे अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स वड्डी गिनती च डॉक्टर्स भी और वड्डी गिनती च पैरामेडिक स्टाफ नर्सिस बड़ी जिम्मेवारी नाल काम कर रहे। मेरा उन्होंने सलाम है मेरा सिजदा उन्होंने कि बहुत वधिया काम कर रहे हैं दिन रात एक करके उन्होंने इस कोविड की लड़ाई से आपकी जान खतरे च पा के सेवा निभा रहे और कई डॉक्टर बेचारे आपकी जवान इस लड़ाई से गवा भी बैठे। मगर कुछ प्राइवेट हस्पताल जिन्होंने इसनों एक मौका देख लिया कि धंधा करन दा समा वेख लिया मैं बिल विखा रहा आखो ये सारा बिल है लम्मा चौड़ा और तुसी बड़े ध्यान नाल वेखियो इहदे च आ लिखिया जी सविंदर सिंह सन ऑफ इत्थे नौ लिखिया और बिल की जिहड़ी डेट है प्रिंट डेट एंड टाइम
15-8-20-20 थले लिखे स्क्रीन च, मतलब कि इन्हों जेड़ा पर डे चार्जेस 21 लाख का मतलब 49 डेज इन्हों हॉस्पिटल रखिया, पर डे इन्हों दे चार्जेस कोई 42,500 रुपए, जबकि गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आ गई सी, आ नोटिफिकेशन है 16 जुलाई की, आ 20-20 की गवर्नमेंट ऑफ नोटिफिकेशन है, जिसे कहते कि मॉडरेट सिकनेस वाले 10,000 चार्ज करेंगे, सिवियर सिकनेस वाले 15,000 चार्ज करेंगे, और वेरी सिवियर सिकनेस वाले 18,000 चार्ज करेंगे। जे मैं गवर्नमेंट के चार्जेस लेके चलदा, आम तौर पर तो कोरोना के पेशेंट 21 दिन ठीक हो जाते, सारे इस गल नू जानते हो, इन्हों का बिल बनना सी कोई 3 लाख के नेड़े तेड़े। चलो जे मैं ये हिसाब लावा कि एक नहीं 21 दिन ठीक होने वाले से, जे इन 48 दिन ही रखना सीगा जिमें ये रहे हैं, ता भी जो गवर्नमेंट के चार्जेस है 14,000 के हिसाब नाल इन्हों का बिल बनना चाहिए सी 6,72,000 रुपया, मगर किस तरीके नाल लोगों नू फलीस किया जा रहा, लोगों नू एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। इत्थे साडे एक लिविंग एग्जाम्पल है डॉक्टर अवतार दा अमनदीप मेडिसिटी करके, कि इन्हां ने 48 दिन पेशेंट नू रखिया और 20,47,744 रुपए का उन्हां दा बिल बनाया, और बिल की मैं डेट भी जिवें तुहानू विखाई कि किवें गवर्नमेंट दे नोटिफिकेशनस ऑर्डर दी धज्जियां उड़ाइया जा रही, और ये सब कुछ इस लिए हो रहा है कि गवर्नमेंट की किथे ना किथे इनवॉल्वमेंट कह लो, रली मिली भुगत कह लो, जां ये वड्डे हस्पतालां प्रति जिन्हां दा नाम बार बार आ रहा है लोगों के नाल इस समय च एक्सप्लॉयट करन च, उन्हां नाल किथे ना किथे सॉफ्ट पेडलिंग चल रही है, उन्हां दे हक की गल कर रहे हैं, क्योंकि ये उही हॉस्पिटल है जिसे पहला भी रौला पिया सी, जिवें वो हरजीत सिंह ASI का गुट वड्या गया सी ना, वो गुट उहदा वड के डिग गया, मैं वो भी चाहूँगा फोटो विखा देण। ये मुंडा सी सोनू, ये अज तो कुछ महीने पहला मैं गल की सी, इस मुंडे का बिल भी पहला 5,53,000 बनाया, और फिर साडे रौला पाउण तो बाद 4,60,000 करता, मगर जिथे PGI च हरजीत का इलाज जिहदा गुट डिग गया, वख हो गया शरीर तो, वो 67,000 इलाज हो गया, वे जिहदा गुट जुड़िया सी इस मुंडे का बंटी का सनो बब्बी, इहदा गुट भी जुड़िया सी, गुट भी वख करता, दूजा हथ भी खत्म करता, गरीब बंदा सी, आपदा घर बार इहनू बेचना पिया, आ उहदी फोटो है, उहदे दूजिया फोटो विखा दी, उहदे सामने वाली उहदा हाल की बनिया, ये आउदियां फोटो, आउदे हाथ दे हाल वेख लो की होए है, ये उहदा हाथ है, आउदी आ हाल ने की उहदे हाल कीते आ, दूजा आ दूजा गुट मैं विखा दिया, आउदा दूजा गुट आ स्क्रीन ते आ गया। कैन यू इमेजिन इसे हस्पताल ने जे हरजीत का इलाज उहदा गुट जुड़ सकता सी 70,000 च PGI ने करता, इन्हां ने उहदा 5,53,000 का बिल की बनाया, और अज उही काम साढ़े आ उहनां दे लड़के बैठे, इन्हां दे परिवार च तां अग्गे बड़ी ट्रैजडी होई, इन्हां दा वड्डा ब्रदर सी रविंदर, उहदी डैथ हो गई इटली च, उहदा मर्डर करता गया, हले परिवार उस सदमे चों नहीं निकलिया सी, बजुर्गां नूं बड़ा उस गल का ठेस पहुँची, 7-6 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ 'ਚ ਹਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 25 ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਅਮਨਦੀਪ ਮੈਡੀਸਿਟੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, 26 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਸੀਨ ਲੈਬ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ 'ਚੋਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ SRL ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਗੁਰਗਾਓਂ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਖੂਨ ਚੂਸੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਲੀਸ ਕਰੀਦਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਲੀਸ ਕਰਕੇ 21 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ
जो एक्सप्लॉयटेशन अमनदीप मेडिसिटी वालों चल रही है, वो परिवार मेरे को आया सी। मैं चाहूँगा कि परिवार भी थोड़े नाल दो मिनट आपकी गल रख लवे, उस तो बाद जे थोड़े कोई सवाल होणगे वो मैं जरूर दा जवाब दूंगा। हाँ दसो, अच्छ तुसी अच्छ एक मैं होर दस दिया, आप दवाइया का बिल पुछो किन्ना बनाया कला 21 लाख चो, 8,11,565 रुपये कला दवाइया ही बिल। तुसी कदे सुनिया एक बंदे 8 लाख दियां दवाइया खवा देनिया? मैं तो सुनिया नहीं जी, कैंसर का केयर इतो सस्ता हो जाता। 8 लाख दे नेड़े तेड़े कला कोविड दियां दवाइया खवातियां जिहदा इलाज ही कोई नहीं। आ दसणगे उन्हां दे लड़के आपकी गल थोड़ी जी, आप अगे आ जाओ, बह जा इत्थे बह के दस दे, दस दस आ तेरी स्क्रीन आई जांदी ना। 25 तरीक नूं सर असीं एडमिट होए हां जी, उदों उन्हां नूं कोई रोग नहीं सीगा, सिर्फ एक मतलब साह दी प्रॉब्लम तों इलावा। उस तों बाद कोविड का टैसट पॉजिटिव आया जी, 14 दिन बाद नैगेटिव रिपोर्ट आई आ, बट उस तों बाद कोई इन्हां ने कोई इदा कीता नहीं आ, गांह दी गांह मतलब तोरी गए आ कम, छुट्टी वाला कोई कम नहीं किया जी हॉस्पिटल चो। पैसे भी जोड़े अं हैं जी इधर उधर चुक के इन्हों दते 21 लाख रुपया, मतलब कभी किस को गए हैं जी तरले मिन्नत करके, साढ़े को 21 लाख रुपया भी अवॉर्ड बड़ी मुश्किल किया जी, इन ट्रांजैक्शन इन्ह लिया ने पूरे इन्हों मतलब एक नंबर वाले पैसे ले जी, 2 लाख रुपया सिर्फ इन्होंने कैश लिया साढ़े को, वह भी सानू हरास करते भी इदा पहला पेमेंट दो फिर सानू मतलब अं गाड़ी इन्हों कोई मेडिसिन ट्रीटमेंट वगैरह देना है जी। ये तो अज थोड़े को लैके आया जी इंसाफ की मंग करने वास्ते आया है, परिवार जिदे फादर की भी डैथ हो गई, होवे ब्रदर की भी एक ट्रैजडी नाल डैथ हो गई है इटली, अज परिवार बिल्कुल जिमें 21 लाख आपके बुजुर्गों के इलाज से भी खर्च कर चुके हैं। एक साधारण परिवार किस तरीके इस तरह कोविड की लड़ाई लड़ेगा, किस तरह इलाज कराऊगा जे उन्होंने इस तरीके अमृतसर का हॉस्पिटल एक्सप्लॉयट करूँगा। मैं आपके वीर चाहूँगा कि अमनदीप मेडिसिटी की फोटो विखा दे मेरे पत्रकार वीर, जिन्होंने शायद वेख्या नहीं किड्डा वड्डा उहदा जगाड़ है, और लिहाज कोई नहीं गरीब बंदे नाल, पहला भी एक केस आया अज दूजा आ गया। आ अमनदीप मेडिसिटी बड़ा वड्डा हॉस्पिटल है जी साडा, ये जिहड़ी सड़क है मेन रोड जिहड़ी रेलवे स्टेशन तो नेड़े तो हुंदी होई जांदी है, अगे माल रोड बजती है अगे जाती अटारी बॉर्डर नूं है, वो सड़क ते है, बड़ा वड्डा हॉस्पिटल है। कोई सवाल हाँ जी, हाँ जी अमृतसर दी के अमृतसर का केस है जी, ये आई वॉज शॉक टू सी 21 लाख रुपए का बिल। बिल्कुल जी इन्हों का फाइनल डेट और बिल की सैटलमेंट मैं अगे थोनू दिखाई सी, आ बिल है जी, बिल च आ लास्ट कॉलम है फाइनल डेट ऑफ पेशेंट की डैथ होंगी है 13/15/8/20 यह सारा फाइनल पेमेंट और बिल एड्रेस सैटल करता है, जबकि गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन महीना पहला आ गई सी कि 14,000 तो वध चार्जिज नहीं ले सकते जी। नहीं एक केस हाईलाइट नहीं होया यार, एक केस तो अज थोड़े को आया है, असी तो बड़ी छेती श्रोमणी अकाली दल वालों कोई एक नंबर देवांगे कि जिन्हां जिन्हां हॉस्पिटलों ने चंगा काम किया, डॉक्टर ने चंगा काम किया, उहदा भी सानू दसो कि असी उन्हां नू अप्रीशिएट करिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा कई डॉक्टर्स नर्सिस पैरामेडिकल स्टाफ ने कमाल का काम करता, मेरा सिजदा उन्हां दे अगे, मगर कुछ कालियां भेड़ां कुछ लोग जिन्हां ने लिटरली एक कसाई का काम किया इस औखे वेले च, इस औखे वेले का फायदा उठाया, उन्हां दे खिलाफ अमनदीप हॉस्पिटल वर्गे मेडिसिटी वर्गे उन्हां दे खिलाफ सरकार का सॉफ्ट रवैया क्यों है? तुसीं सियाणे हो, चार्जेस सरकार ने फिक्स करते, फिर भी अगले नू 3 गुणा पैसे लैण दा मतलब की सी? और मैं अगे जिवें गल दसी है कि जे सरकार दे जिहड़े चार्जेस दे हिसाब नाल जे ओह हस्पताल रहिंदा 14,000 दे हिसाब नाल
ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ 6,72,000 ਬਣਨਾ ਸੀ ਮਗਰ ਉਹ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ 21 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੈਬਿਨ ਵੀ ਕਰਤੀ ਆ ਬੜੇ ਸਖਤ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਆ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਜੇ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਪੱਲਾ ਝੜ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਜਦ ਇਹ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਲੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤਲਵਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ 8,11,000 ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਵਾਤੀਆਂ ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਰੈਮਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆਹ 3-4 ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਰੈਮਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ 2-3 ਟੀਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ 30,000 ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ 5 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਜਦਕਿ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟ ਆਪ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਜਦ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ EMC ਹਸਪਤਾਲ ਔਰ ਤੁਲੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਇਹ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਮਨਦੀਪ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਲੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਕੇਸ EMC ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਮੁੰਨੀ ਲਾਲ ਚੋਪੜੇ ਦਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਜ ਉਹ ਕੇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ SIT ਬਣਾਤੀ SIT ਫਿਰ ਬੇਸਿੱਟੇ 0 ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦਾ ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦਰਦ ਸਮਝੋ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕਮਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਮਗਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਚ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬਰੂਫੀਨੋਰਫਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 5 ਕਰੋੜ ਟੈਬਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਤਬੁਰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਮਗਰ ਜੇ ਉਦੋਂ ਕੱਢਦੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਵੱਧ ਪੈਣਾ ਸੀ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਤਾ ਔਰ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੈਨ ਐਵਰੀਬਡੀ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਨ
वधिया तुरे फिरदे सन। सारिया रिपोर्टा सारे एक्सरे मैं तदे कह रहा कि तलवार साहब तो चैक करा लियो कि जेड़ा बंदा एडा वधिया तरीके नाल तुरिया फिरदा सी सब कुछ ठीक सी ओनू तुसी केड़ी इह जा इलाज करता जिहदा इलाज ही कोई नहीं। आ उन्हां दी फोटो है जी विचकारली सविंदर सिंह जी दी, इन्हां नू केड़ी बीमारी तुहानू जापदी है? नहीं जी नहीं सी जी नहीं सी, जो मैं कराया नहीं सी। और कोविड च पॉजिटिव आए 14 दिन बाद नेगेटिव आ गए तां भी नहीं हॉस्पिटल ने छड्डिया। नहीं बिल्कुल निगरानी नहीं ठीक हुई जी। आ गवर्नमेंट का ऑर्डर है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 16/7/20 का, और इस ऑर्डर से तीन रेट्स बड़े क्लीयरली लिखे है। और इन्हों मैं थोनू दसदा कि वेंटिलेटर की लोड़ भी नहीं पई सी, ही वॉज ऑन ऑक्सीजन की लोड़ पैंदी सी। सो ही वॉज नॉट वेरी सिवियर सिकनेस, नहीं सी सिवियर सिकनेस सी कली। और तां भी की कीता है ना डिस्ट्रिक्ट एड असल च जी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और साढ़े जड़े कई लोग है कांग्रेस के वो डॉक्टर जोड़े है अमनदीप मेडिसिटी वाले उन्होंने एक गल है इतने नहीं किसी ने कार्रवाई करनी जब तक इंडिपेंडेंट इनकुआरी EMC हस्पताल आ मेडिसिटी जोड़ा अमनदीप मेडिसिटी यदि नहीं होगी इन्हों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं करना। इन्हों क्लीन चिट्टी दी जानी है बार बार, और लोग हरास हो गए लोग एक्सपलॉयट हो गए। नहीं देखो अज तक मैं थोड़े को अपील लेके आया जी, परिवार बड़ा दुखी है, बड़ा डिस्ट्रेस च है, दे हैव लॉस्ट देयर सन ऑलसो, आ हुणे ही इज लॉस्ट हिज ब्रदर। जिमें मैं थोनू कहा जून के महीने च बुजुर्गों की हूँ अगस्त च डैथ हो गई है, और अज 21 लाख का उन्हों का बिल बन गया। केस तुसी किन्नी दुनिया नू मिलदे हो, तुसी सुनिया जी किसे हस्पताल ने 21 लाख का कोरोना दे इलाज का बिल बनाया होवे जिहदा इलाज ही कोई नहीं? इंसाफ की मंग लैके आए हैं। इस तो बाद परिवार नाल सलाह करके मैं तो ये मुद्दे नू अज तुसी चौथा पावा डेमोक्रेसी दे थोड़े समक्ष रखिया, इस तो बाद हर फोरम ते इस नू उठावांगे, और असी चाहवांगे कि इहदी इन्हां नाल इंडिपेंडेंट इनकुआरी जी च सरकार का दबाव नहीं, क्योंकि सरकार के कई वजीर तो यह जे हस्पतालों की मदद तो हुए है, क्योंकि उन्होंने कोई पता नहीं खर्चा पानी मिलता रब जाने दे की उन्होंने सैटिंग तो वह दस सकते हैं मैनू की पता जी, मगर लोगों इंसाफ नहीं मिल रहा। क्योंकि नहीं देखो एक मैं थोनू जरूर दसूंगा जी, कई सरकारी हस्पताल बहुत वधिया काम कर रहे, उन्होंने प्रेशर भी बड़ा है, कई सरकारी डॉक्टर वधिया काम कर रहे। हाँ कुछ बंदे उत्थे जरूर गड़बड़ करते हैं, कुछ प्रॉब्लम जरूर आ रही, क्योंकि जिहड़ा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर सूबे का है वह तो है, बट डॉक्टर्स बड़ा चंगा काम कर रहे हैं, सरकार की सपोर्ट के बावजूद कर रहे हैं। सरकार भावें उन्होंने किसी तरीके की सपोर्ट नहीं कर रही, बट स्टिल दे आर डूइंग इट। तुसी देखा ही है कई जिहड़ियां बेचारियां नर्सा ने कच्चियां ने वो पक्के होण दी गल करदियां मगर आपकी ड्यूटी च तो नहीं कताई कर रहे, या जिहड़ियां आशा वर्करस है वो आपकी ड्यूटी च तो नहीं कताई कर रही। उन्होंने दिन रात एक लाया पंजाब वास्ते, मगर सरकार की कमी पेशी थोड़े सामने, जे तुसी ऑर्डर कढ़िया ही की है, जे तुसी ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, जे लोगों इस तरीके नाल एक्सप्लॉयट होना है तो फिर यह जे ऑर्डर का की फायदा, किताब में काली करिए जाने एवें ऑर्डर से ऑर्डर कढ़ी जाने जिन्हें ऑर्डर का मतलब ही कोई नहीं थले ग्राउंड। हाँ जी आवाज नहीं आ रही जी थोड़ी, आई कांट हेयर यू भाजी, आई कांट बात नहीं थोड़ी आवाज नहीं आ रही जी,
एक बंदे दी प्रॉब्लम है जी आयकर। हाँ जी, फॉर द सेक ऑफ रेपुटेशन मैं एक गल करदा, जे जे सरकार दे ऑर्डर दे हिसाब नाल 14,000 रुपए चार्ज किए गए होंगे ता भी इन्हों का बिल 6.5 लाख तो वध नहीं बनना चाहिए सी। और जे 21 दिन जिवें आम कोविड का मरीज डिस्चार्ज हो जाता तो 3 लाख तो वध नहीं बनना चाहिए सी, 6.5 लाख है जे 48 दिन रहिंदा, मगर अज 21 लाख का बिल बनाता है। कनैक्शन चले गए। सो ए लगातार हर रोज केस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आए लग रहा कि पंजाब सारिया स्टेटा नू पिछे छड़दे हुए अगे निकलनू तैयार हो चुका है। देखो कल 1492 जिहड़े केस सीगे पॉजिटिव आए ने ते 51 मौतां होईयां ने, की लगता है कि सरकार का फेलियर है, लोगों का फेलियर है, जां लोग समझ नहीं पा रहे हैं? देखो विशाल जी, एक गल तां मन के चलो, कल तुसीं शायद देखिया नहीं, एक चैनल ने NDTV ने कल बड़ा वड्डा एक प्रोग्राम चलाया रिगार्डिंग रीप्रोडक्शन रेट, मतलब कि एक बंदा किन्ने बंदियां नूं इनफेक्ट कर रहा है, वो रेट पंजाब दा बहुत वध गया, तो सुभाविक है साडे लोकां दी भी कमी पेशी है, सरकार दी भी है, आई थिंक सब नूं जिम्मेवारी वाला रोल अदा करना पैना, नहीं तो रेट बड़ी तेजी नाल वध रहा है। और हस्पतालां च तुहानूं बिस्तरे नहीं मिलने, मैं पिछले 3 दिन दे कई कोविड के मरीजों वास्ते फोन किया, मैक्स, फोर्टिस, DMC, रजिंद्रा हॉस्पिटल, गुरु नानक देव हस्पताल, कई जगह, और मैनू जितों जितों खबर आई कई जगह बैड नहीं मिलिया, कई जगह ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आई, इसलिए प्रॉब्लम थोड़ी सिवियर हो रही है, आउट ऑफ हैंड हो रही है, दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड क्विकली, नहीं तो मरीज नू ऑक्सीजन की लोड होगी मगर अगे बिस्तरा होगा नहीं, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा, हालात ये जे भी बन सकते। नहीं देखो अज असी तो 2-3 दिन पहला इस गल ते फैसला जरूर किया आपस, असी सारे प्रोग्राम अगले यूथ ने तो रद्द करते, वड्डे अकाली दल ने भी रद्द करते, इस गल च करते हैं कि जो एकदम स्पर्ट आया है, एकदम ये वादा होया है, ये मैटर ऑफ कंसर्न है। एनी क्वेश्चन जी? और हेलो, हाँ जी हाँ जी, हेलो आ रही जी? आवाज नहीं आ रही जी, आ रही है जी हुण? आवाज नहीं आ रही, आ रही है। हाँ जी हाँ जी, देखो गगनदीप जी, जिहड़ा तुहाडा सवाल सी, जिहड़ी ऑपोजिशन पार्टियां ने ना जी, एड्डी वड्डी ये ट्रैजेडी हुई शराब इलीगल लिकर दी, इलिसिट लिकर दी, ये शराब का एड्डा वड्डा स्कैंडल होया, और किन्ने बारी रौला पै रहा सी, जे सरकार जिस दिन चीफ सैकटरी साहब ने रौला पाया कुछ कर दें तो बाकी कोई काम होना नहीं सी, 100 तो वध बंदा एक जिले च मर गया, 200 तो वध बंदे मर गए, तो सुभाविक है फिर ऑपोजिशन पार्टियां चुप किवें बैंदियां, मगर फिर भी असी हुण मन बनाया कि असी आपकी सारी एक्टिविटीज़ ग्राउंड की कटेल कर रहे हैं, क्योंकि असी भी महसूस कर रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन च बहुत ज़्यादा स्पाइक आई है इन केसिस। विशाल जी मैं ना अज देखो बिल्कुल सोचना चाहिए जी, उन्हां दी तां अंदरूनी लड़ाई चल रही है, क्योंकि दूलो साहब ते बाजवा जी कांग्रेस दे MLA जो मिली भुगत वाले शराब का कारोबार चला रहे हैं, लोगों की जिंदगी नाल खेल रहे, उन्हूं एक्सपोज कर रहे, मगर अज मेरा मकसद थोड़े कोल आउण दा, देखो करोना की बड़ी सीरीयस लड़ाई है, रब ना करे थोड़े मेरे चो कोई उस जगह च होवे, देखो 21 लाख देना कोई सौखी गल नहीं है, इन्हां सारा परिवार इन्हां दा सारी कमाई इन्हां ने लाती आपके बुजुर्गों नूं सेहतमंद करने वास्ते, बुजुर्गों की डैथ हो गई है, बुजुर्ग रहे नहीं, 21 लाख रुपए बिल पे किया, अज ये चिंता करन दा काम है कि
जेडे प्राइवेट हॉस्पिटल ज डॉक्टर अवतार वर्गे अमनदीप मेडिसिटी लोगों इस तरीके एक्सपलॉयट कर रहे हैं, जानवरों को माड़ा हाल रवैया उन्होंने किया जा रहा है, उन्होंने लसेंस रद्द होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ये मुहिम चलाउण की लोड़ है कि यहाँ के लसेंस रद्द होवे, इन्हां ते कार्रवाई होवे, क्रिमिनल निगलैक्ट का परचा दर्ज होवे, कि गां कोई यह जी हिम्मत ना करे यह जा खिलवाड़ किसी की जिंदगी नाल करन दा। और जेडे डॉक्टर चंगा काम कर रहे हैं उन्हां दा सन्मान, उन्हां दा हर तरीके दा मान सत्कार आदर सानू सब नू एज ए सोसाइटी करना चाहिए, बिकॉज दे आर आ फ्रंटलाइन वॉरियर्स। ठीक है जी, ब्रदर जी, पहली गल तो एक दिन के सैशन ने एक गल तो स्पष्ट करती कि कांग्रेस सारे मुद्दों तो भज गई है। हुण जे MLA कई अपोजिटिव आ गए है, कांग्रेस के होर पार्टिया के साडे मैनू लगता ऑलमोस्ट गिनती है 7 to 10 MLA जिहड़े पॉजिटिव आ गए, जिहड़ा बाकी का जिन्हों का टैसट होना है 10 MLA जे गैर हाजिर हो गए तो सैशन अद्धा तो वैसे ही रह जाना, और एक दिन के सैशन से जाओ ना जाओ इट्स जस्ट अ फॉरमैलिटी, उन्हां दी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लीगेशन है, कांग्रेस तो वह पूरा कर रही है, लोगों के वास्ते लोगों के मुद्दे चुकने वास्ते सैशन होंगे, वो तो चुक ही नहीं सकते, सवेरे एक ऑब्यूचरी होनी है, शोक मते आने हैं, तो दूजे सैशन दूजे हाफ से 3 घंटे तुसीं कहड़े कहड़े मुद्दे चुकते होंगे, रौले गौले च मुक जाना, और कांग्रेस सरकार की यही क्षमता कि रौले गौले च मुका दिओ। उत्थे तक किड्डे सीरीयस इशूज़ ने आ कोविड के, आ प्राइवेट हस्पताल जो कुछ कर रहे हैं उन्होंने बारे चीज़ा बड़े मुद्दे ने जी, शराब का काम CBI की इनकुआरी, सरकारी मुलाजमान भत्ते ना मिलना, बड़े यह जे गंभीर मुद्दे खड़े हुए हैं जिसे कोई एड्रैस करने का समा ही नहीं आना। जवाब नहीं संविधान सभा बिलकुल जी, कल्ली जिहड़ी उन्हां दी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लीगेशन है, संवैधानिक मजबूरी है, उसनू ही पूरा कर रहे जिहड़ा 6 महीने बाद सैशन बुलाना पैंदा। लोगों के मसलों वास्ते नहीं बुलाया गया ये सैशन, लोगों के दर्द नू सुनने वास्ते सुलझाने वास्ते नहीं बुलाया गया ये सैशन कांग्रेस वालों, एक कल्ला कल्ला कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लीगेशन पूरी करने वास्ते। और मेरा जो परसनल राय है, मेरी पार्टी की नहीं है, यह जहाँ सैशन का तो मैं बाइकआउट ही शायद कर दिया, क्योंकि यह बेइंसाफी है पंजाब के लोगों नाल, पंजाब की ये बिल्कुल लोगों की, जे सैशन से सुनवाई नहीं आनी उस सैशन से जाके असी किस समूह नाल हिस्सा बनना, फिर साढ़े तो यही इल्जाम लगेगा कि जी उत्थे रौला पा के आ गए, होर करांगे की जी? सरकार सवाल देने तो भज रही है जी, सरकार चाहती नहीं कि कोई सानू सवाल पूछे, ये सैशन सवालों वास्ते नहीं बनाया, ये सैशन लोगों के वास्ते नहीं है, ये सैशन कल्ला ते कल्ला कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लीगेशन पूरी करने वास्ते कांग्रेस ने सद्या। विशाल जी, विशाल जी बेनती है कि पंजाब दे लोकां दा, पंजाब दी विधानसभा ते हक पंजाब दे लोकां दा है, असी उन्हां दे कला नुमाइंदे आ, उन्हां दे बुलारे कह लो, स्पोक्सपर्सन कह लो, और जे सानू लोकां दे मुद्दे, कोविड भी लोकां दा मुद्दा है, CBI दी इनक्वायरी जेड़ी इलीगल माइनिंग च मार्क हो गया वह भी लोकां दा मुद्दा है, जेड़ी शराब कांड नाल 5600 करोड़ का रेवन्यू का लॉस होया, 200 तो वध मर गए, वह भी लोकां दा मुद्दा है, जेड़ियां इनक्वायरियां इंडिपेंडेंट एजेंसी तो नहीं करवाइया जा रही, वह भी लोगों का मुद्दा है, मुलाजमान का पत्ता ये भी लोगों का मुद्दा है,
किस तरीके नाल मुलाजमान नू सेंट्रल पे कमीशन दे नाल जोड़िया जा रहा, यह भी लोगों का मुद्दा है। मनटेक सिंह आलूवालिया दे थ्रू किस तरीके नाल पंजाब दे किसानां नू, पंजाब दे दलित भरावां नू, पंजाब दे बैकवर्ड वीरां नू, पंजाब दे व्यापारी नू, हरेक नू किवें एक तरीके का मूर्ख बनाउण दी कोशिश की जा रही है कांग्रेस तो, यह मनटेक सिंह आलूवालिया दे रिपोर्ट भी एक मुद्दा है। सो मुद्दे बड़े ने, और तुसीं इह गल नूं समझदे हो कि जे अद्धे मैंबर कोरोना करके नहीं आउणगे एक दिन दे सैशन दा, तुसीं असीं जा के उत्थे की गल करांगे, उत्थे गल ही कोई नहीं सुननी, रौला गौले च सैशन मुक जाणा। कांग्रेस चाहुंदी इह कुछ, और किवें इह प्राइवेट हस्पताल लोकां दी जिंदगी नाल खेड रहे भी एक मुद्दा है। ठीक है जी, सारिआं दा धन्नवाद जी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत। और मैं आस करूँगा कि अज साडे सर सविंदर सिंह जी दे परिवार नूं, परमिंदर जी नूं, राजविंदर जी नूं, जिन्हां नूं अगे बड़ी मार पई है, कि इन्हां नूं इंसाफ दवाउण दा काम तुसीं जरूर करोगे। ये दोवां दी हत्थ जोड़ के तुहाडे च ये बेनती है मीडिया दे डेमोक्रेसी दे चौथे थंब नूं कि तुसीं इन्हां नूं इंसाफ जरूर दवाओगे। चंडीगढ़ तो दर्शन सिंह खोखर की रिपोर्ट, D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी, हुणे सब्सक्राइब करो, बैल आइकन पे क्लिक करो।